आज 20 अगस्त 2019 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। भादो मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है, देर रात 5:30 तक और उसके बाद षष्ठी तिथि है। रेवती नक्षत्र है, रात 10:28 तक और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे रात 10:28 पर। आज बीजा कुरा पंचमी है, पंचक समाप्त हो रहे हैं रात 10:28 पर। मेष राशि वाले अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं पर दूरियों की वजह से आप वो सब कुछ कर नहीं पा रहे जो आपके मन में इच्छा है। फासले हम सबसे बहुत कुछ करवा देते हैं, आपसी रंजिशें उभर जाती हैं, एक दूसरे को समझने में कमी आ जाती हैं और कुल मिलाकर रिश्तों को संभालना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। वृषभ राशि वाले अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सुंदर योग बने हुए हैं जो आपकी अच्छाई को भी उभारें और लोगों से भी आपको जोड़े रखें। जिंदगी की खुशियां इन्हीं अच्छाइयों पर निर्भर करती हैं जो इस समय आप अपने लिए बना सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कुछ ऐसी संभावनाएं उभर रही हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकें और जिसके चलते आपके कामकाज के हालात भी बेहतर हो सकें। आपका मन है कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें आपको बड़ा लाभ मिल सके। क्या करना चाहिए समय में, किसी भी इंसान की अपनी काबिलियत भी कभी कभी ही उभर कर आती है जिसके चलते उसको पूरा फायदा मिल सके। आपके लिए भी कुछ ऐसा समय बना हुआ है कि आप तेज़ी से आगे बढ़ सकें और अपने हालात को सुधार सकें, पर उसमें प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो काम आपकी क्षमताओं से जुड़ा हुआ हो। कर्क राशि वाले बिना सोचे समझे कई तरह के फैसले लेना चाह रहे हैं, पर इस बात को समझ लें कि पहले मन में तसल्ली होनी चाहिए ताकि कोई भी कदम सही दिशा में पड़ सके। अपनी मेहनत के अनुरूप अगर अपने कदम आगे बढ़ाए जाएं तो उससे सफलता ज़रूर मिलती है। क्या करना चाहिए समय में, काम से लाभ बना हुआ है और लाभ को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसमें आपके अपनों का सहयोग आपकी हर तरह से मदद करे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। सिंह राशि वालों के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके फैसलों में सूझबूझ बनी रहती है पर इस समय उस सूझबूझ में कमी आ सकती है और आप अपनी ही जिद पर अड़े हुए हैं, कोई गलत फैसला करते चले जाएं, ऐसा हो सकता है। क्या करना चाहिए समय, निजी जीवन के हालात बहुत हद तक मददगार, आपका भरोसा भी बना हुआ है। हालात आशीर्वाद के रूप में आपको आगे बढ़ने का मौका भी दे रहे हैं। कामकाज की स्थिति ऐसे में संभली रहे ये बहुत बड़ी बात है, फिर भी अपने पैसे की स्थिति को संभाले रखने की कोशिश करनी होगी। कन्या राशि वालों के लिए काम से लाभ बना हुआ है और आपकी जागरूकता भी बनी हुई कि हर तरह की स्थिति को संभाले भी रखा जा सके, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे बनते बिगड़ते विकल्प हैं जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें एक अहम मुद्दा ये भी है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में, जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी मेहनत को सही दिशा देने की ज़रूरत है। ऐसा करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति पर भी नज़र रखनी होगी क्योंकि पैसे से जुड़ा दबाव भी बना रहे, ऐसा हो सकता है, इसलिए भी लोगों की सहमति से चलने से फायदा ज़रूर होगा। तुला राशि वालों की कामकाज की स्थिति बहुत हद तक संभली हुई है क्योंकि हालात आपकी मदद कर रहे हैं। ये और बात है कि आप इस स्थिति से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। आपने अपने मन में कुछ ऐसा बना रखा है जिसमें आपको कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही। क्या करना चाहिए समय, इस अच्छाई को समझें कि आर्थिक दृष्टिकोण से सब कुछ संभला हुआ है, पर यह तब तक संभव है जब तक आप किसी बड़े काम में हाथ डालने से बचें। किसी भी कारणवश अपनी अच्छी भली स्थिति को बिगाड़ते चले जाने से बचना होगा। उसके लिए आपको अपनी उपलब्धियों और अपनी अच्छाइयों की ओर भी देखना होगा ताकि सुकून बना रहे। वृश्चिक राशि वालों की रोजमर्रा की चुनौतियां आपके लिए दुविधा पैदा कर सकती हैं, जबकि इस समय कुछ भी गलत नहीं, सब कुछ तो आपके हित में बनता चला जा रहा है। आपकी अच्छाई को भी लोग भली भांति समझ पा रहे हैं और आपकी सराहना भी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय, किसी भी तरह के तनाव से बचना है तो काम के प्रति समर्पित रहना होगा और अपनी इस प्राथमिकता को समझते हुए ही अपना समय काम में लगाए रखना होगा। वैसे भी ये समय आपके लिए बड़ी उपलब्धियों के रूप में सफलता दे सकता है, इसलिए इस अच्छे समय का फायदा उठा लेना ही आपके लिए सूझबूझ की निशानी होगी। धनु राशि वालों की तो कुछ अपनी गलतियां हैं, कुछ लोगों की गलतियां हैं, कुल मिलाकर हालात मध्यम हैं जिसकी वजह से अपने हालात को आजमाना इस समय ठीक नहीं है। हर छोटी बात को भी इस रूप से देखना होगा कि उसे बिगाड़ते चले जाने से बचा जा सके। क्या करना चाहिए समय में, किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने का बहुत सा मन है पर उसमें भी अपनी ही परेशानियां छुपी हुई हैं। लोगों का समर्थन मिलने में कमी रह सकती है और आप अपने कदम पीछे हटाते चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए अच्छी भली स्थिति को भी बिगड़ते चले जाने का अंदेशा है। मकर राशि वालों की जीवन में लोगों की अच्छी भूमिका है और लोग आपको अच्छी सलाह भी देना चाह रहे हैं पर आप उस बात को समझने में असमर्थ। क्या करना चाहिए समय,
पैसे का नुकसान होता चला जाए ऐसा बहुत हद तक संभव है। इसलिए अपनी गलतियों की ओर देखना होगा और अपने फैसलों पर कड़ी नज़र भी रखनी होगी। खासकर अपनी बचत को बचाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। क्या ना करें, समय में अपने पैसे को कहीं फंसाएं भी नहीं और अपने पैसे को कहीं लुटाएं भी नहीं। ये समय ही कुछ ऐसा है जो हर तरह का दबाव दर्शा रहा है, और अगर उसकी शुरुआत पैसे से जुड़ी समस्याओं से होगी तो उसका असर ज़िंदगी की बाकी चीज़ों पर भी बढ़ता चला जाएगा। कुंभ राशि वालों का किसी प्यार के रिश्ते में भरोसा हट जाएगा तो मुश्किलें पैदा होंगी, पर यह गलतियों भरा समय है जिसमें आप किसी पर भरोसा न कर पाएं और इसी से बात बिगड़ती चले। क्या करना चाहिए समय में, लोगों से तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है, चाहे कामकाज का क्षेत्र हो या आपकी अपनी मेहनत से जुड़ा कोई भी विकल्प हो। लोग आपकी इस समय हर तरह से सहायता कर सकते हैं जो आपके भविष्य का रास्ता खोलने में आपके लिए मददगार साबित। मीन राशि वालों की घर परिवार की परिस्थितियां सुखद हैं, कोई प्यार का रिश्ता भी आपके लिए आपकी ज़िंदगी में खुशियों भरे पल ला सकता है। क्या करना चाहिए, कोई भी ऐसी बात कहने से बचना होगा जो आपके रिश्तों पर बुरा असर डालती चली जाए। इसलिए अपने हालात में सूझबूझ को जोड़ना इस समय बहुत ज़रूरी होगा। जो भी सोचें या कहें उसमें थोड़ी सी विनम्रता भी अपनाए रखें।